कितने हो? हेलमेट खरीदना पड़ रहा है भाई, भुवनेश्वर में हम लोग है। वेलकम बैक टू द चैनल एंड हम भी हम लोग जा रहे हैं पूरी। मेरे साथ है आलोक, आशु भाई, गुगनी भाई एंड अभी राजवीर और एक भाई आने वाले हैं, सो उसके लिए वेट कर रहे हैं। अभी हेलमेट खरीद रहे हैं, हम बाइक से जा रहे हैं। भाई क्या सही लग रहा है हेलमेट? वाह, रेडी? चलो रेडी, जय जगन्नाथ। तो चलिए भाई, हम सब लोग रेडी हो चुके हैं एंड या भुवनेश्वर का यही रूल है, हेलमेट पहनो या फिर घर में बैठे रहो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई बैठो गाड़ी में। इंजीनियर भाई, हाय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स। अभी हम निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी अलॉन्ग विद अग्नि भाई, आशु भाई। सो अभी हम लोग रुके हैं एक जगह पे, हम दिखाइए इधर दिखाइए। यहाँ पे छेनापोड़ा मिल रहा है, हमारे ओडिशा का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड फेमस चीज। सो अभी हम खाएंगे। भुवनेश्वर में हैवीली चेकिंग होता है हेलमेट वगैरह का, तो मजबूरन हमें एक हेलमेट खरीदना पड़ा क्योंकि अब शॉर्टेज हो रहा था हेलमेट। तो या वो राजवीर पहना जो दिख रहा है डमी वाला हेलमेट, डमी नहीं भाई, वो इंजीनियर वाला हेलमेट। तो ये देख सकते हो गाइस, स्वीट्स है हमारे ओडिशा का एंड ये रसगुल्ला है शायद। भाई ना एडल्ट देवे तो एट एडल्ट देवे मीठा। हाँ तो ये दोस्तों ना खुद खाने के लिए। सो ये हमारा छेनापोड़ा आ रहा है टेस्टिंग के लिए एंड यहाँ पे हमारे बजरंग बली हैं एंड देख सकते हो कितना सुंदर तरीके से छेनापोड़ा रखा गया है। सो या आप घूमने पे खा के बताइए कैसा है टेस्ट। हम खाई बताओ टेस्ट कर सर। सो कैसा है टेस्ट, कैसा है? अच्छा है। आशु भाई टेस्ट कीजिए तो पहले। हाँ ऑलरेडी पहले से खाए हो। अच्छा क्या? हाँ ठीक है भैया, और एक जगह दो, और एक जगह। सो आप देख सकते हो गाइस, ये हमारा ओडिशा का स्पेशल छेनापोड़ा है। इधर आइए। ये अलग एंड प्योर है भाई, वो जो पत्तल का फ्लेवर आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। देखिए भाई, ये कुछ अलग है, बाकी जो जितने भी खाए हूँ जिसमें सबसे अलग है, अलग फ्लेवर है इसका। आलोक भाई खा रहे हैं अभी, कैसा है भाई टेस्ट? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। हाँ ये थोड़ा सा टेक्सचर अलग है ना हमारे बाकी जहाँ में मिलता है, बहुत अच्छा है ये, मतलब नेचुरल है। हाँ ये तो सही बोले। कौन सा स्वीट है भैया? रसगुल्ला। ये हमारा रसगुल्ला है ओडिशा का। अभी कितना हुआ टोटल? 90 हुआ था, 10 हाँ तो 100 हो गया। जय जगन्नाथ, रसगुल्ला हमारो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तरह तरह का रसगुल्ला है, ये सब छेनापोड़ा वगैरह है। We'll be right back.
जय जगन्नाथ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे माँ बाटो मंगला बाटो मंगला में, एंड अभी आते हैं। अभी दर्शन से पहले, इधर जाने से पहले यहाँ पे हमेशा आते हैं गाइस। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हाँ दोस्तों, अभी हमारा दर्शन हो गया माता का, एंड फिर अभी हम इधर ऐसे ही नॉर्मली हैं। सब कोई है, तीनों भाइयों और हम तीनों भाइयों, सब कोई वैसे हैं, एंड सब कोई आ रहे थे। तो पहले दर्शन इधर करा, देखिए हमेशा पूरी जाने से पहले 7 किलोमीटर से पहले इधर दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक प्रथा है, नियम है। एंड या तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो अभी जाते हैं, अंदर फोन अलाउड नहीं होगा शायद, लेकिन दूर से ही फोटो क्लिक करेंगे। जय जय भाई साहब, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं पूरी पहली बार कदम रख चुका हूँ। आज तक कभी भी आपने फोटो नहीं दिखा होगा मेरा पूरी में, क्योंकि मैं पूरी आया ही नहीं। भुवनेश्वर कटक हर जगह गया हूँ, हमेशा जाता हूँ भुवनेश्वर, लेकिन पूरी आज तक नहीं आ पाया। फाइनली भगवान ने उनका मर्जी से मैं आ चुका हूँ। एंड अभी आलोक और मैं, मेरे भाई और आगे दो भाई और आगे दो भाई वैसे ही निकल रहे हैं। सो या बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड इट फील्स गुड टू बी सो या अभी हम लोग सब निकल रहे हैं। राजवीर, गुनी भाई, आशू भाई एंड और एक भाई हैं, वो किधर गए हैं शायद बाइक पार्क करने। ये एक अलग सा फीलिंग है, ये बयां नहीं किया जा सकता। एंड या वाओ, बहुत ही अमेजिंग फील है। सो अभी हम जाते हैं मंदिर की ओर। वो देखो मंदिर, श्री मंदिर, आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। ये देखो श्री मंदिर, देख रहे हो ना ये। सो फाइनली भगवान जी, हमारा दर्शन हो गया। इतना स्पेशल अभी फ़ोन वगैरह लेने आए थे, एंड यार सब कोई हमारा बैग हेलमेट वगैरह सब कोई ले रहे थे। मतलब इतना सुकून भरा दर्शन, हर जगह मैं जाता हूँ भगवान जी कैसे ना कैसे इजीली दर्शन करवा देते हैं, एंड क्या करें। तो मज़ा आ गया भाई, इतना खुशी मैं ज़िंदगी में पहली बार पूरी आया, दर्शन किया भगवान का। सो हाँ, बढ़िया बढ़िया भाई, एक नंबर चीज़ है। मैं ट्राई नहीं किया सिक्का वाला, लेकिन दर्शन तो हो गया भाई। भाई साहब, इतना अच्छा दर्शन हुआ है मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब अंदर गए हम, फिर उसके बाद फिर अंदर पूरा अंदर गए बहुत देर तक, कैसे ना कैसे रुक गए, मतलब कुछ ना कुछ करके बहुत ही मजा आया। दर्शन वाज इनक्रेडिबल। सो मैं अभी रेस्टोरेंट आए हैं, एंड वहाँ पे खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है क्योंकि उतना देर से हम कुछ नहीं खाए हैं।
लेट्स सी हम लोग क्या खाते हैं, क्या करेंगे। सो अगर फोन में चार्ज हो तो दिखाएंगे, वरना बीच पे जाने टाइम वही मैं रखा हूँ। तो यार फोटोज वगैरह लिए अभी वहाँ पे दर्शन के बाद, मजा आ गया, इतना सुकून भाई। चलो खाना खाते हैं। हम खाना खाने बैठ चुके हैं ऑलरेडी, सबको ही दिखा दो सबको। जितना भी करो आपकी मर्जी, भूख बहुत ज्यादा लग रहा है तो हम बाद में आपको बीच टाइम ही मिलते हैं। अभी हम नहीं, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगा, नहीं दिखा सकते, और दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बहुत ज्यादा भूख लगा है। कुछ देर बाद आपसे मिलता हूँ। आ गया। अभी हम जा रहे हैं बीच में नहाने, देखिए बहुत मजा आएगा सबको। ये भाई अभी आप बीच आ चुके हैं, देख सकते हो पूरी का फेमस बीच है ये। एक ही बीच है भाई पूरी में, एक ही बीच भाई, बहुत सारे बीचेस हैं, डिवाइड किया गया है, नाम अलग अलग है सब चीज़ का। जैसे कि मैंने गोवा में देखा है, मतलब 200 से ज़्यादा बीचेस हैं, लेकिन मैं मतलब 10-15 ही गया हूँ गोवा में। तो गोवा से बीच हमेशा सिमिलर लगता है भाई, लेकिन ब्यूटी कल्चर हेरिटेज लैंग्वेज सब चीज़ का अलग है। यहाँ पे रात में मज़ा आता होगा क्योंकि दोस्तों के साथ आओ, जैसे हम आए हैं। तो यार घूमो फिरो, मैं अब अभी नहाने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे वीडियो वगैरह फोटो वगैरह सब लेंगे, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। रुको यार, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आज इतना अच्छा दर्शन हुआ तो उससे ही हम इतने खुश हैं। मतलब भाई साहब मैं जिंदगी में पहली बार पूरी आया, आई स्वेयर भाई, एंड इतना मजे से दर्शन हो गया। मतलब एक दो घंटा कितना लगा, एक घंटा में हमारा पूरा दर्शन मंदिर के हर मंदिर में हो गया, अंदर जितना मंदिर है। सो और भगवान का भी अच्छे से दर्शन हो गया। सो जय जगन्नाथ। अभी हम लोग निकल रहे हैं बीच से, मजा आया, हेलमेट वगैरह लेके। सो प्यू